चलिए बच्चा पार्टी, बात करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री में बात करने वाले, सॉल्व करने वाले और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस के, बड़े क्वेश्चंस के, जो आपको 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले, नहीं, इस टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले एक छोटी सी एक बात पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। आप किसी डॉगी को, किसी कुत्ते को लाठी मारिए, क्या करेंगे? लाठी मारेंगे, तो यूजली क्या होगा, या तो वो भाग जाएगा या फिर वो आपकी लाठी पकड़ने की कोशिश करेगा। वहीं आप वही लाठी शेर को जाके मारिए, लायन को, फाड़ के रख देगा, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, आपको फाड़ के रख देगा। मतलब क्या हुआ, काम दोनों बार सेम हुआ बट रिजल्ट दोनों बार अलग हुए। तो बस यही डिफरेंस होता है पढ़ते टाइम, जब आप स्टडी करते हैं तो जब आप सीरियस मोड में पढ़ते हैं, जब आप कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं तो रिजल्ट्स अलग आते हैं, और सिर्फ आप मौज मस्ती में पढ़ते हैं तो रिजल्ट्स अलग आते हैं। ये वो चैप्टर है जिसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, आप शेर की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसको फाड़ के रख सकते हैं इस चैप्टर को, बट डिपेंड आप पर करता है, करते हैं नहीं करते। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको करेंगे और मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है, और वो ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव करो। तो मैं आपको छोटी छोटी बात बताना चाहता हूं और उससे इस क्वेश्चन को करूंगा। पहली चीज मैं लेना चाहता हूं कि यहां पर 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, और 270 प्लस थीटा को देखते ही मन में ख्याल आया कि यहां पर चेंज होगा, और चेंज होगा तो किस में होगा, ये कॉस थीटा में चेंज होगा, और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन हम इधर की साइड देख के साइन नहीं लगाते, जो चेंज हो रहा होता है उसको देखकर साइन लगाते हैं। और अक्सर आप ये गलती करते हैं कि आप जो आया होता है उसको देखकर साइन लगा बैठते हैं, और वो गलत हो जाता है। फिर वापस से बोल रहा हूं, जो चेंज हो रहा होता है उसको देखकर साइन लगाते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई। फिर मैंने साइन 270 माइनस थीटा लिया, मुझे मालूम है इसको देखकर मन में ख्याल आया चेंज, तो भैया चेंज हो गया, क्या हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये मेरा हो गया 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो क्या था, नेगेटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो मैंने यहां तक मामला सेट कर दिया। अब मैं गया कॉस 180 प्लस थीटा पर, तो कॉस 180 प्लस थीटा पर गया तो मुझे मालूम है चेंज तो होगा नहीं, नो चेंज, यानी 180 पर चेंज नहीं होता है। 180 प्लस थीटा हो रहा है तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव आ गया। सारा कुछ हम लिख चुके हैं, अब बस मैं इसको एक्युमुलेट कर रहा हूं और ये क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं। ये आपका कॉस थीटा, लिख दो आप कॉस थीटा, ये आपका साइन 270 माइनस थीटा जो कि माइनस का कॉस थीटा, ये आपका माइनस का साइन, साइन 270 तो ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस कॉस थीटा, ये आपका माइनस का कॉस थीटा, इससे ये गया और इससे ये गया, फाइनल आंसर 0 आ गया जो कि मुझे प्रूव करना था। दैट्स इट, हो गया प्रूव। मैंने बहुत ज्यादा सिंपलीफाइड वे में हर एक फैक्टर को, यानी हर एक टर्म को एक्सप्लेन करके कराया है इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर भी मेरी कोशिश यही रहेगी मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूं। तो ये है आपका 90 प्लस थीटा, और आपको मालूम है ये आपका हो जाता है चेंज होके साइन थीटा, और 90 प्लस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर कॉस नेगेटिव होता है। फिर आपका है सेक 270 प्लस थीटा, इसका मतलब आपका चेंज तो होगा ही होगा, ये हो गया कॉसेक थीटा, और 270 प्लस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है। फिर हम गए साइन 180 प्लस थीटा पर, तो 180 प्लस थीटा पर चेंज तो होता नहीं है, बट 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन नेगेटिव होता है।
फिर हम गए कॉस माइनस थीटा पर और ये माइनस के साइन को खा जाता है। फिर हम गए कॉस 270 माइनस थीटा पर, चेंज तो होगा ही होगा क्योंकि 270 दिखाई दे रहा है, बट 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। और फिर हम गए टेन 180 प्लस थीटा पर, चेंज तो होगा नहीं बट 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और वहां पर ये पॉजिटिव होता है। सब लिख डाला सब चंगा सी, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा और क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। तो वैल्यू पुट करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, दैट इज व्हाट, माइनस साइन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, दैट इज कॉस सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, दैट इज माइनस का साइन थीटा। लिख दिया। कॉस ये कॉसेक था, दिस इज व्हाट, कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर फेंक देता। तो ये हो गया माइनस का कॉसेक थीटा। फिर आपका कितना है कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये माइनस का साइन थीटा। और फिर टेन, तो ये आपका टेन थीटा, ठीक है। अगला स्टेप, यानी कि एक स्टेप और लिख रहा हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा और ये आपका टेन थीटा, ठीक है। आसान है यहां तक, सिंपल बात समझिए। इस कॉसेक से ये कॉसेक कट गया, इस साइन से ये साइन कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा साइन थीटा वन अपॉन, इसको लिख लिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे ये कट गया, ये कॉस ऊपर चला गया और क्या आ गया, कॉस थीटा, जो कि बराबर हो गया राइट हैंड साइड, और ये ही मुझे प्रूव करना था, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। कैसे करें इस क्वेश्चन, मैंने कहा इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। मैं पहला मेथड आपको करा रहा हूं। पहले मेथड में मैंने एलएचएस से स्टार्ट किया। एलएचएस क्या कहता है कि आपके पास साइन एक्स प्लस वाई है और साइन एक्स माइनस वाई है। मुझे इसका फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई अपॉन में साइन ए कॉस वाई कॉस ए साइन वाई। ओपन कर दिया। मैंने क्या किया, सिंपली डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, किससे किससे डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स कॉस वाई से, किससे, कॉस एक्स कॉस वाई से। जैसे मैंने ऐसा किया तो क्या होने वाला है, ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। डिवाइड हुआ किससे डिवाइड हुआ, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, इससे डिवाइड हुआ। और डिवाइड होने से क्या फर्क पड़ा यहां पर, भाई वाई से वाई चला गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स चला गया, कॉस वाई से कॉस वाई चला गया और कॉस एक्स से कॉस एक्स चला गया। बचा क्या, जो बचा वो हम यहां पर लिख देंगे। क्या बचा, साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस वाई दैट इज टेन वाई अपॉन में, यहां देखिए दैट इज टेन एक्स एंड दैट इज टेन वाई। क्या देखना, ये राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं आया, और अगर आ गया तो ये हरीश पाल हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने पहला मेथड आपके सामने लगाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। क्या आप चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करूं, चाहते हैं, चलिए मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करके दिखा देता हूं, सो दैट कि आपके माइंड में जो वहां पर रहे आप उस मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं।
राइट। चलिए तो मैं इस वाले मेथड को यहां पर रब कर दे रहा हूं। तो दूसरा मेथड मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। अब हम इस बार क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर टू। आइए, हमें क्या दिया है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में टेन एक्स माइनस टेन वाई। आपको कुछ पता हो नहीं पता हो, इतना तो पता है कि आप इसको साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख सकते हैं और इसको साइन वाई अपॉन कॉज वाई लिख सकते हैं। आप नीचे वाले को साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख सकते हैं और इसको साइन वाई अपॉन कॉज वाई लिख सकते हैं। बोलो यस और नो। तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऊपर भी एलसीएम लो नीचे भी एलसीएम लो। तो जब हमने ऊपर एलसीएम लिया तो ये साइन एक्स तो था ही, ये कॉस वाई यहां चला गया, ये कॉस एक्स इधर आ गया, साइन वाई वहां पर था ही, और नीचे क्या आ गया एलसीएम लेने पर, कॉस एक्स कॉस वाई। सेम काम मैं नीचे करूंगा तो सेम आएगा, बस फर्क कितना आएगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। और जो बचा इसको गौर से देखिए, ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला जो कि बराबर है एलएचएस के। और ये क्या हो गया, हरीशपाल हो गया। क्या हो गया, हरीशपाल हो गया। दैट्स इट, खत्म, सिंपल इजी। लल्लू अगला क्वेश्चन। आइए, देख के अजीब गरीब लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर। दोस्त कैसे सर आपको कैसे पता, दिखाता हूं दिखाता हूं। पहला मेथड, मेथड नंबर वन, एलएचएस कितना लिखा हुआ है, टेन फिफ्टी सिक्स डिग्री। क्या कोई महापुरुष इसको 45 प्लस 11 लिख सकता है, तो आप कहेंगे जी सर मैं लिख के दिखाऊंगा, मैं लिख के दिखाऊंगा। आपने लिख लिया क्योंकि 45 प्लस 11 56 होता है, अब वो पता है, मुझे भी पता है ना। चलो, तो याद आया कि भाई ये तो एक फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस वी का, और ये ए प्लस वी की कंडीशन है। खटाखट फॉर्मूला लगाइए, आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेन 45 टेन 11 अपॉन में वन माइनस टेन 45 और टेन 11। ठीक हो गया, आओ टेन 45 वन होता है, ये क्या हो गया टेन 11, ये वन माइनस वन होता है, ये क्या हो गया टेन 11। सर मैच तो हुआ नहीं अभी, मैंने कहा मैच नहीं हुआ, भरोसा रख मुझ पर मैच होगा। देख क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वन प्लस साइन 11 अपॉन कॉस 11। तो आप कहेंगे लिख तो सकते हैं, मैंने इसको लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा, हाँ सर लिख तो सकते हैं। मैंने कहा देख मिलता हुआ नजर आया, मैच होता हुआ नजर आ रहा है क्या, देख जरा नेत्र नयन चक्षु लोचन ओपन करके। तो मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद ये तो मुझे मैच होता होता सा नजर आने लगा। मैंने कहा क्या कहा था उससे, मैंने कहा मुझ पर भरोसा रख बालक, क्वेश्चन का आंसर लाना और सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो देख क्या ये वही आया जो तुझे चाहिए था, क्या आया, कॉस 11, ये प्लस है बेटा ठीक है, प्लस साइन 11 अपॉन कॉस 11 माइनस साइन 11, दैट इज व्हाट, राइट हैंड साइड। और ये क्या हो गया, हरीशपाल हो गया। एक मेथड से मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। दूसरा मेथड करो मत करो इतना कोई खास नहीं है। दूसरे मेथड में क्या करोगे, आप राइट हैंड साइड लिखोगे और इस पूरे क्वेश्चन को कॉस 11 से डिवाइड करोगे। जब आप कॉस 11 से डिवाइड करोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी और इस कंडीशन से वापस आप उसको कन्वर्ट कर लोगे टेन वाली कंडीशन में, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो मैं इसको नहीं करा रहा हूं दूसरा मेथड, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। खास बात,
इस टाइप के क्वेश्चन दो बनते हैं, एक टेन की फॉर्म में बनता है और एक कॉट की फॉर्म में बनता है। ये क्वेश्चन कॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है और ऐसा क्वेश्चन और कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। जब भी बनेगा उसका एक ही पैटर्न होगा, तीन चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी, एक सबसे बड़ी क्वांटिटी, एक उससे छोटी क्वांटिटी, एक उससे छोटी क्वांटिटी। और खास बात बताऊंगा, दो छोटी क्वांटिटी का सम तीसरी क्वांटिटी के बराबर होगा। जरा देखिए गौर से, क्या x प्लस 2x बराबर है 3x के कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ। मैंने कहा यही पहचान है इस क्वेश्चन की, यही इसका पहचान पत्र है, यही इसका पहचान पत्र है, यानी कि यही इसका आधार कार्ड है, इसी से क्वेश्चन हो जाना है। मैंने कहा आओ, करने का पैटर्न क्या होता है? मैंने कहा बहुत सिंपल होता है, आपको क्या करना होता है कि कॉट 3x ले लिया सबसे बड़ी क्वांटिटी, और इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत सही। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि कॉट ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है कोई? हाँ सर पता है। मैंने कहा बताओ क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये फॉर्मूला होता है। मैंने कहा अगर ये होता है ना कर देते हैं। मैंने कहा आओ, तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट 2x कॉट x माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉट 2x एंड कॉट x, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉट 3x। छोटा सा मामूली सा काम मैं करना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को पेट में दर्द नहीं है ना? बस मैं यही सुनना चाहता था। अगर किसी के पेट में दर्द है तो अभी मैं आपको समझा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आओ करके दिखाता हूं। तो भैया कॉट 3x था इधर, ये आपके कॉट 2x और कॉट x मल्टीप्लाई होने के लिए आ गए, और ये आपका यहां पर कॉट 2x है और ये आपका कॉट x और माइनस का 1 है। भैया मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या हो गया 3x, ये क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया कॉट 3x इंटू कॉट x, और इस सब को इधर ले आया मैं, या इस वन को इधर ले आया, और उधर क्या बचा है? कॉट 2x कॉट x, क्योंकि आपको वन इक्वल में चाहिए तो वन को इधर ही रहने दो, बाकी सारा उधर फेंक दो। तो बाकी सारा जब उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? वन इक्वल टू कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x और कॉट x, ये हो गया क्वेश्चन। तो हमारे ये वाली साइड RHS आ गई, ये वाली साइड LHS आ गई, और ये हैंस प्रूव हो गया। और ऐसा हर क्वेश्चन इसी टाइप से किया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या और लिखने को मिल सकता है आपको? क्वेश्चन में ऐसा लिखने को मिल सकता है कि उन्होंने दिया हो कॉट 7x कॉट 5x और कॉट 2x, ऐसा भी आपको मिल सकता है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं तो जहां जहां यहां पर जहां जहां आपको 3x दिख रहा है वहां वहां 7x लिख लीजिए, जहां जहां 2x दिख रहा है वहां वहां 5x लिख लीजिए, और जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2x लिख लीजिए, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसका पहचान पत्र होगा 7x इक्वल टू 2x प्लस 5x, ये उसका पहचान पत्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन देख के हमें लगता है कि यार ये कितना खतरनाक है, बट मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूं। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शरमाए, तो अगर आप मेरी आंखों से देखोगे तो ये बहुत ही भोली सी सूरत का क्वेश्चन है। देखिए आपको चंड मुंड रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको बहुत ही मासूमियत से देखो, इसको क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने कहा आओ, ये आपको आलिया भट्ट दिखाई देगी, ये आपको दिशा पटानी दिखाई देगी, आप में से किसी को, किसी को इसमें रणवीर कपूर दिखाई देगा, किसी को रणवीर सिंह दिखाई देगा इस क्वेश्चन में। दिखाता हूं मैं, देखिए कितना आसान है। अगर आप गौर से देखें और मैं इस हिस्से को ए कंसीडर करूं, इस हिस्से को बी कंसीडर करूं, तो इसका मतलब ये भी ए है और ये भी बी है, इसका मतलब तो ये हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ओ हो, इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो ये कॉज ए लिखा हुआ है
ये कॉस बी लिखा हुआ है, ये साइन ए लिखा हुआ है, ये साइन बी लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और ये किसका फॉर्मूला होता है? सर ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। मैंने कहा बहुत सही, ए की वैल्यू पाई बाई फोर माइनस एक्स, बी की वैल्यू पाई बाई फोर माइनस वाई, पुट कर दिया। एलएचएस स्टार्ट किया हमने। ध्यान से देखो, अगर मैं पाई बाई फोर और पाई बाई फोर को ऐड करता हूं तो ये टू पाई बाई फोर हो जाएगा, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये ऐसा कुछ हो गया। कोई दिक्कत, दो से इसको काट दिया, ऐसा कुछ हो गया। और मन की आंखों से मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ, लाइव दर्शन कराना चाहता हूँ मेरे दोस्त। ये आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, और इसको देख के मन में ख्याल आता है क्या करने का, चेंज करने का। पाई बाई टू मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, और 90 पर तो चेंज होता है, और 90 माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पर कॉस, कॉस क्या होगा, कॉस ही है ना ये, तो कॉस क्या होगा ये हमें देखना है। पाई बाई टू माइनस, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, ये आपको पता है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहां पर क्या होगा, ये कॉस पॉजिटिव होगा, तो देयर फोर ये इस पे अटैक करे, ओए होए 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 होए, ये इस पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज होके साइन एक्स प्लस वाई, जो कि बराबर है आर एच एस के, जो कि क्या हो गया, हरीश पार हो गया। आसान था, बस मैं यही सुनना चाहता था आपके अंदर से फील आए कि हाँ, ये भोले से सूरत, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और शाहिद कपूर दिख रहा था कुछ लोगों को, कुछ लोगों को वो देवरकोंडा दिख रहा था, कुछ लोगों को ये प्रवास दिख रहा था, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये आलिया, श्रद्धा और दिशा और कैटरीना दिख रहा था, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर डरावना क्वेश्चन, मैंने कहा डरने का नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, और पिछले वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज आल्सो फ्रॉम, जो पिछला क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं, दैट वाज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मुझे याद आ गया, ये एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, ये तो बहुत भयंकर है, इसको करते हैं पहले। इसमें क्या है, मैंने कहा चलिए, तो भाई पहली बात इसको तोड़ेंगे, तो ये लिखा हुआ है कॉस पाई प्लस थीटा, आपको मालूम है चेंज तो होता नहीं है पाई पर, तो क्या हो जाएगा, ये साइन या कॉस, कॉस थीटा हो जाएगा, और पाई प्लस का मतलब होता है यानी 180 प्लस, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, वहां पर ये नेगेटिव होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं, थोड़ा गंदा सा दिखने लगा है, तो ये हो गया कॉस थीटा, फिर मैंने कहा कॉस माइनस थीटा, तो वो आपको मालूम है खा जाता है, ठीक। फिर मैंने कहा कॉस पाई माइनस थीटा, तो भैया चेंज तो होगा नहीं, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, बट पाई माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना, और वहां पर कॉस नेगेटिव होता है, फिर कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, और अब चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और पाई बाई टू प्लस हुआ यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर कॉस नेगेटिव होता है, तो हालात कुछ इस तरह के हैं मेरे दोस्त, ऐसे कुछ हालात हैं। चलो एनसीईआरटी जैसा दिख रहा है, अब एनसीईआरटी का है नहीं है अभी पता चल जाएगा। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, मैंने वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी, कहां पे पुट की, तो पहली वाली वैल्यू दैट इज माइनस कॉस थीटा, और ये आपका कॉस थीटा, नीचे इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा, ये वैल्यूज पुट हो गई। वैल्यूज पुट होने के बाद यहां पर माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो भी माइनस का, ओह माय गॉड, इट्स टू रूल अप, तो ये क्या हो गया, कॉट थीटा, और जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, और मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये तो हरीश पाल हिमाचल प्रदेश हो गया। बस ऐसे ही होती है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान होती है, करना चाहो तो जरूर हो जाती है। आओ इसको देख के डर लग रहा है, देख के डर लग रहा हो, ऑब्वियस ही बात है, डर लगता है कई बार, बट मैंने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, डरने की
कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज ये आपको लिख के दिया है साइन 180 प्लस थीटा, तो भैया चेंज तो होता नहीं है, साइन थीटा ही रहेगा, और 180 प्लस की बात हो रही है, तो ये पहुंचा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। दूसरी बात, कॉस 90 प्लस थीटा की बात हो रही है, तो ये चेंज होना कन्फर्म है, और 90 प्लस थीटा से वो पहुंचता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहां पर वो पॉजिटिव होता है। कौन? कॉस। कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं, नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव और आ गया। तीसरी बात करने गए हम, टेन 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, आपको मालूम है चेंज तो होना ही है, ये 270 माइनस थीटा हुआ, तो ये पहुंचा थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर टेन पॉजिटिव ही होता है। अब हम गए फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन के लिए, दैट इज 360 माइनस थीटा, चेंज होना नहीं है, बट 360 माइनस ये पहुंच गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाइट कलर से लिखूंगा, पांचवे पर, यानी कि इस पर, तो ये है हमारा साइन 360 माइनस थीटा, चेंज होना नहीं है, बट 360 माइनस थीटा, तो वहां पर सिर्फ कॉस सेक पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक, सिक्स पर चले, कॉस 360 प्लस थीटा, चेंज होना नहीं है, तो कॉस थीटा ही रहेगा, बट यहां पर एक मजबूरी है, 360 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सारे पॉजिटिव। सेवेंथ, ये है आपका कॉसेक माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस का कॉसेक थीटा। फिर आपका है आठवा, दैट इज साइन 270 प्लस थीटा, चेंज होगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और 270 प्लस होने पर वो दे देगा नेगेटिव साइन, क्योंकि वहां पर साइन नेगेटिव होता है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा करने से क्या हो गया, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, चलिए पुटिंग शूटिंग कर रहे हैं, तो भैया पहली वैल्यू रखी हमने इसकी, तो वो कितनी है? माइनस की साइन थीटा। फिर इसकी वैल्यू रखी, वो भी क्या है? माइनस का साइन थीटा। फिर दूसरा है कॉट थीटा, और चौथा है हमारा माइनस का कॉट थीटा। नीचे भी वैल्यू रखेंगे, ये है आपका माइनस का साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा, ये है आपका माइनस का कॉसेक थीटा, और ये है आपका माइनस का कॉस थीटा। ऐसे हालात आपके सामने लिखे हुए। ठीक, आओ काटा पीटी करते हैं। देखो इस पूरे माइनस से पूरा माइनस कट गया, ठीक है, और समस्या बड़ी विकट है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये क्या हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ये आपका कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हो गया वन अपॉन साइन थीटा, और ये आपका कॉस थीटा। ठीक है, हिसाब किताब देख लेते हैं इसका, बराबर हो रहा है नहीं हो रहा, इससे ये कट गया, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एज इट इज है, पूरा कट गया, तो क्या आ गया? वन आ गया, और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर, और ये क्या हो गया? हरीश पाल हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख के घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी जिंदगी के मोड़ पर आए तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। आपने पॉलिटिकल पार्टी की रैलीज देखी है, जो आंदोलन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ना, किसी करप्शन के लिए आंदोलन कर रही है, किसी चीज के लिए आंदोलन कर रही है, तो उसमें क्या होता है, छुटपुंजी नेता होते हैं बहुत सारे, और उनके चमचे होते हैं, आगे पीछे चलते हैं, तो अगर पुलिस दो लोगों को पीटना स्टार्ट करे, सबसे आगे वालों को और सबसे पीछे वालों, बस फिर काम हो जाता है, बाकी की हिम्मत टूट जाती है और भाग लेते हैं सब। तो हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे, दो छुटपुंजिया जो होते हैं, एक बड़ा और सबसे छोटा, उसको खेल खेलेंगे। तो यहाँ पे जब हमने गौर से देखा, एनएचएस से स्टार्ट किया, तो हमने क्या स्टार्ट किया? हमने इसकी भी बड़े नेताजी और छोटे नेताजी को पकड़ लिया। तो बड़े नेताजी क्या थे? 4x थे, और छोटे नेताजी क्या थे? 2x थे।
इनको सबसे पहले पकड़ा और इन पे बजाएंगे लट, और ऊपर भी हमने बाकी का साइड रख दिया, नीचे भी हमने सेम काम किया, नीचे भी हमने छोटे नेताजी और बड़े नेताजी साथ में पकड़े और इन पे बजाएंगे अब हम बेहिसाब लट। जब लट बजेगा इन पर तो भगदड़ अपने आप मच जाएगी और सारा आंदोलन अभी के अभी खत्म हो जाए, अभी के अभी। ये शिवगढ़ है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि अगर मेरे सामने कहीं पर दिखाई दे साइन ए प्लस साइन बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं टू साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉज ए माइनस बी बाई टू। ये इसका सूत्र होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। अगर इसकी जगह दिखाई दे साइन ए माइनस साइन बी, तो लगभग सेम होता है, ये वाली पार्टी कूद के यहां आ जाती है। क्या बवाल है। सिर्फ मामूली सा चेंज आता है और वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी बाई टू और कॉस ए प्लस बी बाई टू, यानी कि ये इंटरचेंज होते हैं आपस में, ये इधर बहुत ठीक। अगर इसकी जगह लिखा होता कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये हो जाता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू। और अगर ये होता कॉस ए माइनस कॉस बी, तो थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला हो जाता है। ये चार फॉर्मूले अगर याद होते हैं तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ दो। फिलहाल यहां पर क्या लग गया भाई, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि एक ये लगेगा और एक ये लगेगा। आओ लगाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी, यानी कि 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 और कॉस 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 और ये आपका कॉस 3x ऐसे ही रहेगा। फेर दिया डंडा, अब नीचे वाले पे फेरो, तो ये हो जाएगा टू साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 कॉस 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 और ये साइन 3x। ऐसे ही आपको डंडा फेरना है और आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, ये आपका अब लिखा मिलेगा आपको टू चार और दो छः डिवाइड बाई टू, यानी कि कॉस 3x और ये आपको मिलेगा x 2x डिवाइड बाई टू और ये आपका कॉस 3x। नीचे भी आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा x और ये आपका साइन 3x। अगला स्टेप देखो, बड़ा एक खूबसूरत स्टेप होने वाला है, कुछ कॉमन लेने का। ऊपर से जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास कॉमन आ गया 3x और हमारे पास बचा 2cos x प्लस 1। नीचे से हमने लिया साइन 3x कॉमन, क्या बचा हमारे पास 2cos x प्लस 1। और ऐसा करने से इसकी वाट लग गई, जो बचा ये हो गया cot 3x जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के, जो कि हमें करना था। इजी था, सिंपल था, लल्लू था, एक फॉर्मूला लगाते ही एक बार लट फेरते ही सारा मामला सेटल हो गया। ये भाई सब घर बैठ गए जाके, इतने छोटे से होके, समझ रहे हो, इनके हिप्पोपोटेमस लाल कर दिए गए और लाल करने के बाद ही चुपचाप घर में बैठे हुए हैं। आओ अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब मैं आपको यहां पर कुछ बातें बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर एक फॉर्मूला होता है टू कॉज ए कॉज बी और ये फॉर्मूला होता है कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, समझ गए बात को। अब इसी से इसमें ताबड़तोड़ मचाने की कोशिश करेंगे कि हमारा सेटल डाउन हो जाए किसी तरीके से और हमारा काम चल जाए, है ना। चलो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं तो टू नहीं है और फॉर्मूले में क्या आता है, टू आता है और टू यहां पर है नहीं, फिर क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा। हमने कहा क्या करें, हमने कहा चलो मेहनत करते हैं और क्या हमारे पास इलाज है, तो
और इलाज है क्या? नहीं, नको, हमारे पास कोई इलाज नहीं। अच्छा मुझे एक चीज और लग रही है कि यहां पे ना प्लस होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एनीवे आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने से ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। ठीक, मैंने कहा चलो यार अब कर दिया आपने तो कर दिया, इसमें फॉर्मूला लगाया तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये वाली पार्टी क्या हो गई? आहा। तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस बी, यानी 2x प्लस x/2 प्लस कॉस 2x माइनस x/2 माइनस ये वाली पार्टी रखेंगे। इसके केस में क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x प्लस 9x/2 और माइनस हो जाएगा ये, और कॉस 3x माइनस 9x/2 ऐसा कुछ बन गया। और अगर ऐसा कुछ बन गया दोस्त, तो ये 1/2 हो गया, ये आपका हो गया कॉस 2 2 4 और 1 5x/2, और ये आपका हो गया कॉस 2 2 4 यानी कि 3x/2, और ये आपका हो गया कॉस 3 2 6 और 9 15x/2, और ये आपका हो गया कॉस 3 2 6 माइनस 9 माइनस 3x/2 ऐसा कुछ हो गया। और आपको मालूम है, आपको क्या मालूम है कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये माइनस साइन को क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये आपका कॉस 5x/2 हो जाएगा, ये आपका कॉस 3x/2 हो जाएगा, ये आपका कॉस 15x/2 हो गया, और ये आपका माइनस का कॉस 3x/2 हो गया, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो क्या बचा, 5x/2 और -15x/2। तो मैंने कहा आगे चलते हैं अगली सीट पर, जहां इसको हम आगे का सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास देख लेते हैं हम एक बार, हमारे पास है 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2, 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। यह ध्यान से देखो, ये आपका लिखा हुआ है कॉस ए माइनस कॉस बी, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको लिख देता हूं आपके सामने, फॉर्मूला होता है -2 sin a + b/2 और sin a - b/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बस वैल्यू पुट करो, मैंने कहा इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा sin 5x/2 + 15x/2 / 2 और sin 5x/2 - 15x/2 / 2 -sin 15 और 5 20, तो ये हो गया 20x/4, दो ये वाला नीचे आ गया, और ये साइन माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10x/4। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, ये साइन बाहर माइनस फेंक देगा, तो क्या माइनस का आ रहा है, चेक करते हैं एक बार, माइनस का आ रहा है लेकिन हमारा प्लस का आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है इसका जो हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम चेक करते हैं। देखिए माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, ये बात सही है, माइनस साइन बाहर आ गया। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला है ही, तो -sin ये 5x हो गया और ये साइन माइनस का 5x/2 हो गया।
अब इससे मेरा आ रहा है प्लस, तो एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करता हूं कि हमने कोई गलती तो नहीं की है। डू आई हैव अ मिस्टेक ओवर हेयर? तो कॉज 2x, कॉज एक्स वाई टू 2, कॉज 3x, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, 5x, 2 दूनी 4 3x, 3 दूनी 6 और 9 15 माइनस था, जिसकी वजह से दोनों माइनस हो गए, ये प्लस ही हो जाएगा, इससे ये कट गया। हिसाब किताब बराबर तो लग तो ठीक ही रहा है, मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। एनीवे देखते हैं, अभी यहां पर चले तो -2 sin a + by 2 cos a, sin a माइनस बी बाई टू, एक माइनस साइन और आ गया, माइनस का 10x/2। अब गलती क्या हो सकती है ये मैं चेक करता हूं एक और तरीके से। क्या यहां पर नेगेटिव साइन होता तो क्या होता? अगर यहां पर नेगेटिव साइन होता तो ये नेगेटिव होता और ये प्लस होता, तो उस केस में ये नेगेटिव होता, ये प्लस होता, तो भी ये कटता। यहां पर ये गलती हो सकती है कि अगर मैं इसको क्या करूं, अगर ये माइनस का होता, क्या होता, माइनस का होता, तो माइनस के होने की वजह से ये माइनस होता, ये माइनस होता, बट ये प्लस होता, कटता ये तब भी, लेकिन इस पे कोई इंपैक्ट नहीं रखता, ये कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। इंपैक्ट होता क्या? नहीं होता। लेट मी चेक, मैं एक बार फॉर्मूला चेक कर लेता हूं उसका, कहीं कोई फॉर्मूले में तो गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ये प्लस ही होता है, ये प्लस ही होगा, ये माइनस ही होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस ही होगा, कोई लफड़ा नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला लगाने गया मैं, तो यहां माइनस साइन आता है, तो प्लस का मेरे हिसाब से ये फाइनली sin 5x और sin 5x/2 आना चाहिए, ये RHS होना चाहिए। मैं आपको मैच करा देता हूं यहां पर, हो सकता है यहां पर कोई मिस्टेक हो, ठीक है, मैं इस तरीके से आगे चल रहा हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट देके चल रहा हूं कि हो सकता है यहां पर कोई मिस्टेक हो। चलिए मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन अगेन। यहां पर क्या करें, मैंने कहा सिंपल सिंपल फंडा है, कॉस ए प्लस कॉस भी लिखा हुआ है, कॉस साइन ए प्लस साइन भी लिखा हुआ है। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, जब मैंने फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 2 cos a + b यानी कि x + y/2 और cos x - y/2। cos a + cos b का फॉर्मूला ये हो गया, बाहर बैठा हुआ है स्क्वायर, और जब यहां लगाया तो ये हो गया 2 sin a + b/2 और cos a - b/2 स्क्वायर। स्क्वायर जो है सब जगह अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा 4 cos² x + y²
और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई टू, ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई टू, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई टू। कुछ कॉमन दिखाई दिया क्या आपको? तो मुझे यहां पर ये कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर ये कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहां से 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉमन ले लिया, और हमारे पास बचा ये। और ये जो बचा है, ये जो बचा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? यस, दिस इज ऑल अबाउट इक्वल टू 1। और अगर ये इक्वल टू 1 है तो हमारा आंसर आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई टू, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। दैट्स इट, इतना सिंपल क्वेश्चन था, हो गया यूं। अगला देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखिए इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बेसिकली दो तीन फॉर्मूले यूज होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या बताना चाहता हूं कि यहां पर cos 2x का फॉर्मूला यूज होता है, जो कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अगर ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो मजा आ गया। तो हमने LHS से स्टार्ट किया दोस्त, क्या है हमारे पास? cos 4x, जिसको मैं क्या लिख दूं, जिसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 2x माइनस 1, लिख दिया। चलिए भाई लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? मैंने कहा यार अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी कुछ थोड़ी बहुत, और तब जाके क्वेश्चन होगा। तो क्या ही हो सकता है, क्या हो सकता है जिससे क्वेश्चन हो जाए? तो मैंने कहा यार देखो ऐसा कर सकते हो आप, इसको इसको कॉस 2x का होल स्क्वायर लिख लो, माइनस 1 लिख लो। और कॉस 2x का एक फॉर्मूला और होता है, और वो ऐसा होता है ऐसा, तो उसको पुट कर सकते हो। तो हमने क्या किया फटाफट से, अगर मैं उसको लाके यहां पे पुट कर देता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उससे कुछ बेनिफिट होगा क्या मुझे? उससे कुछ बेनिफिट होगा क्या, ये मुझे देखना है। लेकिन मैंने इसको देखते देखते एक चीज और देखी, इन दोनों जगह पर -1 आ रहा है, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो मेरे दिमाग की बत्ती चली अचानक से कि यार इसको ना लगा के मेरे पास एक और फॉर्मूला है, ये वाला, ये ना लगाया जाए। मैंने कहा चलो इसको लगाते हैं। तो जब इसको लिखा तो क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 2x। क्यों 2x होगा, क्यों 2x होगा भाई? क्योंकि यहां 4x है इसलिए। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, इसका एक फॉर्मूला होता है। स्क्वायर जो है सब पर अटैक करेगा, स्क्वायर ने जब सब पर अटैक किया तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 8 sin² x और कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है, हो गया प्रो। दैट्स इट, सिंपल लल्लो। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। आइए यहां पर क्या यूज होगा, मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताता हूं जिनका यूज यहां पर होना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहली बात कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan² थीटा। अगर इतना पता है तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर जाओगे। यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ था इसलिए आपने थीटा लिखा, अगर 4 थीटा लिखा होगा तो आप 2 थीटा लिखोगे, 8 थीटा लिखा होगा तो आप समझ लो 4 थीटा लिखोगे। चलिए LHS से स्टार्ट की, क्या कहती है LHS, दैट इज 4 थीटा, क्या हो जाएगा, 2 tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan² 2 थीटा, राइट। थोड़ी सी मेहनत की, ये जो 2 थीटा है, ये जो 2 थीटा है इसको आप अलग से देखिए, अलग से देखिए, और इसको क्या कर दो आप इसकी जगह पर, ये 2 ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पर आपने फॉर्मूला पुट कर दिया वापस से, या 1 माइनस tan² थीटा अपॉन में 1, और ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan² थीटा, ऐसे पुट कर दिया। तो क्या हो गया, ये 4 tan थीटा हो गया, और ये 1 माइनस tan² थीटा हो गया। नीचे क्या हुआ, मैंने कहा नीचे सिंपली ये हो गया,
वन माइनस फोर टेन स्क्वायर थीटा और वन माइनस टेन स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर, इसको ओपन नहीं किया अभी मैंने। ठीक, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा लिटिल आगे बढ़े, क्योंकि हमें तो चीजें बढ़ानी है आगे। तो ये हो गया आपका फोर टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां इसका एलसीएम वेलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पे ये हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस फोर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। थोड़े से बेसिक मैथमेटिक्स यूज की, और बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहती है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कैसा, ऐसा, ध्यान से देखो, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस फोर टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो कि नहीं? आप कहोगे हाँ, ये दो बार लिखा हुआ है, एक बार ये, एक बार लिखा हुआ है, इससे एक बार ये कट गया, क्या बचा? अब आपके पास बचा फोर टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ऐसा ही कुछ लाना है? तो ऊपर का मामला सेट, न्यूमरेटर एकदम सेट, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का मामला, जब आप इसको ओपन करोगे, तो जब इसको ओपन कर लोगे फॉर्मूले को, तो आपका आ जाएगा वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन टू द पावर फोर थीटा, राइट? ये आते ही आपका हो गया राइट हैंड साइड, और ये हो गया हरीश पाल, समझ गए? तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आपने फोड़ दिए हैं। हर एक क्वेश्चन को वापस से देखिएगा, अगर आपको जरूरत लगे, आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा कहीं कुछ लैगिंग है आप में, तो वापस से उसको देखिएगा। अदरवाइज लिखते वक्त, सॉल्व करते वक्त, यानी जब आप वीडियो को देख रहे होंगे, तो लिखें जरूर इन क्वेश्चन को, राइट जरूर करें, तब आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, तब आप सही कैलकुलेट कर पाओगे, तब आप मार्क्स ला पाओगे, राइट? चलिए बच्चा पार्टी, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बात करूंगा और अलग क्वेश्चंस की। फिलहाल के लिए गुड बाय।